दिगरा शहर में इन दिनों जलापूर्ति समस्याओं को लेकर जनता बेहद त्रस्त है। बीते 2 सालों से विश्राम गृह के सामने स्थित पानी की टंकी से सटे पाइपलाइन में जारी बिगाड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इस समस्याओं को दूर करने के लिए आगामी गुरुवार से वाटर सप्लाई शटडाउन कर पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत का काम शुरू करने की जानकारी संबंधित ठेकेदार ने BCN को दी है। दिगरस नगर पालिका की अनदेखी से नागरी सुविधाओं में जारी गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। मालूम हो कि बीते सप्ताह पहले ताजनगर, भाटीपुरा, कसाबपुरा, वाल्मीकि नगर, सरकारी अस्पताल परिसर आदि सहित अन्य इलाकों में जलापूर्ति ठप सी हो चुकी थी। विश्राम गृह के सामने वेटरनरी हॉस्पिटल से सटी पानी टंकी के पास स्थित पाइपलाइन में बिगाड़ से जलापूर्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। हालांकि फिलहाल अस्थायी रूप से इस समस्या का निवारण हुआ तो है, लेकिन पाइपलाइन लीकेज की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बीते 2 सालों से पालिका प्रशासन अनदेखी और लापरवाही बरत रहा है। इस संबंध में जब BCN ने नगर पालिका के मुख्याधिकारी शेषराव टाले से जानकारी हासिल करनी चाही, लेकिन हमेशा की तरह उनसे संपर्क स्थापित नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि वे छुट्टी पर है। बहरहाल विश्राम गृह के सामने वाली पाइपलाइन में उत्पन्न हुए लीकेज की मरम्मत के लिए आगामी गुरुवार से शनिवार तक शटडाउन करने की जानकारी जलापूर्ति विभाग के ठेकेदार ने दी है। ये जो लीकेज है, ये मेन लाइन है दिगरस की, ये लीकेज जूना है। इसे लीकेज छोटा था, अपन ने खोदने के बाद में देखा तो यहाँ पे लीकेज था, वो हमने बना लिया, पर अंदर से एक और लीकेज है, उसको बनाने के लिए हमको थोड़ा समय चाहिए। पर सप्लाई अपना चालू रखे अपन ने, इसमें से ये पानी पूरा निकाल के गुरुवार के दिन शटडाउन लेके 3 दिन का, 3 दिन में हम शनिवार तक इसको कंप्लीट करके दे देते, यानी शुरू हो जाएगा पूरा पानी, लीकेज भी बंद हो जाएगा, सब मोकला हो जाएगा। मालूम हो कि शहर के मोतीनगर, चांदनगर, गौलीपुरा, संभाजीनगर इन इलाकों के अलावा शहर के लगभग सभी इलाकों में शटडाउन जारी रहेगा, जिसकी पूर्व सूचना जनता को लाउडस्पीकर के माध्यम से दी जाएगी। बहरहाल विश्राम गृह के सामने स्थित पाइपलाइन से शहर के एक बड़े तबके को जलापूर्ति की जाती है। यहाँ फिलहाल पानी टंकी के पास बाहर और गार्डन के अंदर लीकेज की समस्या उत्पन्न हुई थी। सूत्रों ने बताया कि जिससे बाहर के लीकेज की मरम्मत हो चुकी है, जबकि गार्डन के अंदर के लीकेज का सुधार होना अभी बाकी है। देखना होगा कि आगामी दिनों में इस समस्या से निजात दिलाने में पालिका प्रशासन का आश्वासन हवा हवाई साबित होता है, या फिर जनता को इस समस्या से छुटकारे के लिए खुद रास्ते पर उतरने की नौबत आती है। दिगरस से BCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।